नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं सोल्जर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। प्रिय दर्शकों, आज जो मैं आपके समक्ष जानकारी लेकर के आया हूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पे है। आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि 29 जुलाई से दो सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति और शनि वक्र अवस्था में स्थित होने वाले हैं। जी हां, 29 जुलाई से देव गुरु बृहस्पति, जिसका प्रभाव मनुष्य के ऊपर सबसे ज्यादा पड़ता है, जो प्रत्येक मनुष्य के अंदर ज्ञान, भाग्य, धन, विवाह, विदेश यात्रा, प्रमोशन, पदोन्नति से लेकर के इंसान के जीवन में हृदय रोग, शुगर, थायराइड, लीवर, चर्बी से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में विशेष भूमिका निभाते हैं मनुष्य के जीवन पे, यह वक्री होने वाले हैं। और 5 जून से ऑलरेडी शनि देव भी 23 अक्टूबर तक वक्री अवस्था में हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये दो दो ग्रह का वक्री होना मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और किस किस क्षेत्रों में आपके जीवन में इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये देव गुरु बृहस्पति का वक्री होना शनि के प्रभाव को बढ़ाने वाला रहेगा। ये क्यों, ये भी मैं आपको पूर्ण रूपेण जानकारी दूंगा। यानी एक ग्रह अगर वक्री हो जाए तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन शनि के प्रभाव में अगर वृद्धि हो रही है तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रिय दर्शकों, देखिए, जब भी कोई शुभ ग्रह, जैसे बृहस्पति जो है ये शुभ ग्रह के अंतर्गत में आते हैं, ये जब वक्री होते हैं तो अशुभ फलदायी होते हैं। लेकिन जिन लोगों की कुंडलियों में बृहस्पति 6ठे 8वें 12वें भाव में बैठे हुए हैं, जिनकी कुंडली में बृहस्पति वक्री हैं, नीच के हैं, शत्रुगत क्षेत्र में हैं, आप लोगों के लिए तो बृहस्पति शुभ हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति बहुत अच्छे पोजिशन पर नहीं है, उन लोगों को 29 जुलाई से संघर्ष करना पड़ेगा। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो एक घर पहले के भी प्रभाव को डालता है। बृहस्पति देव मीन राशि में वक्री हो रहे हैं तो नियमता वो कुंभ राशि के भी फल को 20-25% प्रदान करेंगे, तो कुंभ राशि के फल को बढ़ाएंगे। अब यहां पे ज्योतिष शास्त्र का और एक नियम कहता है कि जब कोई पापी ग्रह वक्री होता है तो उसके प्रभाव में वृद्धि हो जाता है। यानी शनि देव 5 जून से 23 अक्टूबर तक वक्री हो रहे हैं तो शनि के प्रभाव बढ़ने चालू हो जाएंगे। शनि क्या है, संघर्ष को अधिनिष्ठ करते हैं, अहंकार को शांत करते हैं, कष्टों को शांत करते हैं और जीवन में सत्य मार्ग की ओर लेकर के चलने के मनुष्य के अंदर प्रभाव को बढ़ाने वाले होते हैं। अब यहां पे देखिए, बृहस्पति और शनि का सामग्री संबंध है, यानी बृहस्पति वक्री होंगे तो कुंभ राशि के एक घर उनके पहले आते हैं तो इसके भी प्रभाव को बढ़ाएंगे, और शनि देव जो वक्री होंगे तो धनु राशि के भी प्रभाव को बढ़ाएंगे। यानी एक दूसरे ग्रह एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले रहेगा, लेकिन नियमता शनि के प्रभाव में ज्यादा वृद्धि होगी क्योंकि ये पापी ग्रह के क्षेत्र में है और पापी ग्रह शुभ फलदायी ही होता है। अब जैसे कि देखिए, जो भी व्यक्ति जुडिशियल के क्षेत्र में है, मेडिकल के क्षेत्र में है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में है, लोहे से रिलेटेड काम करते हैं, भवन निर्माण से रिलेटेड काम करते हैं, क्रेशर, मार्बल, ईट, ब्रिक्स से रिलेटेड काम करते हैं, इसके अलावा गैस एजेंसीज वगैरह को लेकर के रखें या इससे रिलेटेड काम करते हैं, या फिर जो भी व्यक्ति अपने जीवन में शराब के ठेके वगैरह चलाते हैं, आप लोगों के लिए शनि के प्रभाव में विशेष वृद्धि हो जाएगा क्योंकि बृहस्पति 29 जुलाई से शनि के प्रभाव को बढ़ा रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, शनि एक ऐसा ग्रह है कि अगर ये कुंडली में सपोर्ट कर दे और आप जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ज्यादा आपके जीवन में प्रभाव पड़ेगा। यानी 29 जुलाई से अगर आप अपने कर्म को बढ़ाते हैं, संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, अहंकार को शांत रखते हैं, अपने काम पे फोकस करते हैं, लोगों का सम्मान करते हैं, जिनको ड्रिंक वगैरह का सेवन है वो कम करते हैं और सत्य मार्ग पे चल करके आगे बढ़ने का कोशिश अगर करते हैं तो आप सभी लोगों को निश्चित तौर पे आय और धन में विशेष वृद्धि के अवसर मिलेंगे, इस बात की गारंटी है, क्योंकि शनि देव वक्री अवस्था में सबसे ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। तो चलिए अब मैं बताता हूं कि जब 29 जुलाई से बृहस्पति वक्री हो रहे हैं और ऑलरेडी शनि 5 जून से वक्री है 23 अक्टूबर तक, तो इसका प्रभाव मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा, यह मैं आपको आज जानकारी देता हूं। और यह वीडियो 23 अक्टूबर तक है, राशि से रिलेटेड आप इसको देख सकते हैं, चाहे तो लग्न से भी देख सकते हैं, लेकिन राशि से रिलेटेड भी आप देख सकते हैं, तब आपको परफेक्ट प्रेडिक्शन का पता चलेगा। सबसे पहले मैं बात करूं मेष राशि वाले, मेष राशि वाले आपके जीवन में प्रमोशन के रास्ते खुल जाएंगे, नए नौकरी के अवसर अच्छे मिल जाएंगे, आय के स्रोत में वृद्धि मिलना चालू हो जाएगा,
विदेश यात्राओं का संजोग बहुत बढ़िया मिलना चालू हो जाएगा। पारिवारिक तालमेल में सुधार होंगे। आपके सीनियर अधिकारी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे थे, उनसे रिलेटेड सभी समस्याएं दूर होंगी। वैवाहिक जीवन में जो कष्ट और परेशानियां चल रही थी, इसमें कमियां आनी चालू हो जाएंगी। पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड व्यापार में तरक्की के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। सरकार के पास फंसे हुए पैसे निकलने की संभावनाएं ठीक हो जाएंगी। लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड आपके प्रभाव में वृद्धि दिखना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है, आप अपने जीवन में जो है कुछ नया काम की ओर भी बढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो है, आपके पिता भी आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करेंगे और प्रशासनिक क्षेत्र वगैरह में है तो अचानक प्रमोशन पदोन्नति का योग बनते हैं। स्थान परिवर्तन नहीं कर पा रहे थे, उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए आपको हर शनिवार को पीपल पेड़ में सरसों तेल का दीप एक अवश्य जलाना चाहिए और 5 परिक्रमा करना चाहिए। वृषभ राशि वाले, 29 जुलाई से 23 अक्टूबर तक जब दो महाग्रह वक्री हो रहे हैं तो आपके जीवन में भूमि मकान वाहन से रिलेटेड जो भी बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, खास करके लिटिगेशन केस मुकदमाओं से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, यह ठीक हो जाएंगे। स्थानांतरण होगा। सीनियर अधिकारी आपको बहुत ज्यादा तंग कर रहे थे, ऑटोमेटिक आपसे दूर चले जाएंगे। फंसे हुए पैसे आपके निकलने प्रारंभ हो जाएंगे। नए नौकरी व्यवसाय का होना गारंटी है। खानदानी प्रॉपर्टी का बहुत बेहतर सुख मिलना चालू हो जाएगा। माता पिता से धन की प्राप्ति के अवसर खुलने चालू हो जाएंगे। सरकारी कामकाज का तालमेल ठीक हो जाएगा। इसके अलावा जो है, वैवाहिक जीवन में सुधार के अवसर होंगे। अच्छे अच्छे विवाह से रिलेटेड ऑप्शन आएंगे। प्रेम विवाह से रिलेटेड भी लाभ होगा। इसके अलावा लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बहुत ही बेहतर अच्छे अवसर देखने को मिलेंगे। विदेश यात्रा जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। बड़े भाई बहनों से तालमेल में जो दिक्कतें आ रही थी या आपको बेवकूफ बना के जो पैसे लिए जा रहे थे, इसमें कमी दिखनी चालू हो जाएंगे, यानी कुछ अच्छे रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। फिर भी इसके प्रभाव को वृषभ राशि वाले बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन सूर्यास्त के बाद ओम सम शनिचराय नमः मंत्र का 11 बार जाप करिए। मिथुन राशि वाले, जब दो ग्रह वक्री हो रहे हैं तो 29 जुलाई से 23 अक्टूबर तक आपके जीवन में पेट और पैरों से रिलेटेड समस्याएं दूर हो जाएंगी। जिनको डिवोर्स वगैरह लेना है, आपके लिए अच्छे अवसर खुलेंगे, लेकिन जिनका पहले से वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस है, उनका थोड़ा बढ़ सकता है। इसके अलावा जो है, पिता के स्वास्थ्य में विशेष सुधार के अच्छे अवसर दिखने चालू हो जाएंगे। प्रमोशन पदोन्नति के अच्छे अवसर चालू हो जाएंगे। धार्मिक यात्राएं करेंगे। परिवार से दूर रह रहे थे, साथ में रहना चालू कर देंगे। लव रिलेशनशिप में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, उसमें सुधार के योग बनेंगे। इसके अलावा जो है, नए सरकार से ठेके वगैरह मिलने की संभावनाएं बनेंगी। संतान से अगर आप दूर हैं तो उससे रिलेटेड समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसके अलावा संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिल जाएगा। प्रेम विवाह से रिलेटेड समस्याएं दूर होंगी। ससुराल पक्ष से बहुत ज्यादा मतभेद है या चाहते थे कि किसी तरह कनेक्शन ही खत्म कर दे, तो उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं भी बहुत ही अच्छी बन जाएंगी। मानसिक शांति देखने को मिलेगा। जीवन में यात्राएं बहुत ज्यादा होंगी और सभी फलदायी रहेंगी, सभी लाभकारी रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपके जीवन में विदेश यात्रा होना तय है। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए मिथुन राशि वाले, प्रत्येक दिन स्नान करने से पूर्व जल में थोड़ा काला तिल डाल लीजिए। कर्क राशि वाले, 29 जुलाई से जब दो दो महाग्रह 23 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे तो आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले वैवाहिक जीवन में जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे वह ठीक हो जाएगा। खानदानी प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। ससुराल पक्ष से तालमेल में सुधार के अवसर बनेंगे। प्रमोशन पदोन्नति के बेहतर अच्छे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आपके पिता ना चाहकर के भी आपसे विमुख हो रहे थे या आपसे मतभेद की स्थितियां थी, वह ठीक हो जाएंगी। सामाजिक ख्याति में जो कमी आ रही थी, उसमें सुधार के योग देखने को मिलेंगे। माता से मतभेद में कमी और माता के स्वास्थ्य में सुधार के अच्छे अवसर दिखने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है, आपके जीवन में लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बेहतर ऑप्शन देखने को मिलेगा। जीवन के जो बड़े बड़े डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, किसके सामने क्या बोलना है नहीं बोलना है, जो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, इससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं भी 100% बढ़नी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है, पैरों में जो कष्ट है, पाचन शक्ति से रिलेटेड जो समस्याएं हैं, सेक्सुअल डिजिट से रिलेटेड कुछ समस्याएं चल रही हैं, वह दूर हो जाएंगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड स्थितियों में सुधार होगा। इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं कर्क राशि वाले, प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व शिवलिंग पे जल अवश्य अर्पित कीजिए। 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी अवश्य कीजिए। सिंह राशि वाले, 29 जुलाई से जब दो दो ग्रहों की स्थितियां वक्र अवस्था में रहेंगे 23 अक्टूबर तक, तो सबसे पहला व्यापार पे जो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे थे, इसमें सुधार की संभावनाएं बन जाएंगी।
वैवाहिक जीवन में भी बहुत हद तक सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। विवाह से रिलेटेड अच्छे योग देखने को मिलेंगे। जीवन साथी से मतभेद चल रहा था या लव रिलेशन में मतभेद चल रहा था उसमें कमियां देखने को मिलेंगी। पाचन शक्ति से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड समस्याएं दूर होंगी। ससुराल वाले से मतभेद थे, तालमेल खराब हो चुके थे, वह सुधार होगा। केस मुकदमा समाप्त होंगे, आपके फेवर में आएंगे। जीवन के बड़े बड़े और बहुत ही बेहतर डिसीजन लेने वाले रहिएगा। पराक्रमी फील कीजिएगा। स्थान परिवर्तन के भी अच्छे अवसर मिल सकते हैं। संतान से प्यारों में बढ़ोतरी होगी, प्रेम से विवाह के योगों में बढ़ोतरी होगी। जीवन साथी से दूर रहते हैं तो साथ में रहने के अच्छे अवसर मिलेंगे। विदेश यात्राओं का अच्छे अवसर मिलेंगे। वीजा, ग्रीन कार्ड या किसी प्रकार की प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी हो समस्या का समाधान अवश्य होगा और फाइनेंशियली कंडीशन में बहुत ही अच्छे सुधार के अच्छे अवसर मिलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक यह भी है कि कर्ज सिर पे चढ़ के तांडव मचा रहा था, आप धीरे धीरे कर्ज की समाप्ति करेंगे। कोई प्रॉपर्टी में लिटिगेशन है, बेचना चाहते हैं तो 100% बिक जाएगा। फिर भी इसके प्रभाव को सिंह राशि वाले बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं। प्रत्येक दिन 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करिए। कन्या राशि वाले, 29 जुलाई से जब दो महाग्रह वक्री हो रहे हैं तो आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा? आपको संतान सुख से रिलेटेड गुड न्यूज मिल जाएंगे। पारिवारिक बर्डन जो सिर पे चढ़ के टांडो मचा रहा है उसमें कमियां दिखनी चालू हो जाएंगी। पारिवारिक तालमेल में सुधार के अच्छे अवसर मिलेंगे। संघर्ष करने पे भी आय के स्रोत बहुत प्रबल नहीं हो रहे थे, आय के स्रोत प्रबल होने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है पाचन शक्ति से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड जो भी समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं उससे रिलेटेड जो है समस्याएं आपके जीवन में दूर हो जाएंगी। आपके जीवन साथी आप कहीं कहना नहीं मान पा रहे थे वह ठीक हो जाएगा। हालांकि कर्ज थोड़ा बढ़ सकता है, इस पे ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा जो है आप किन्हीं से विवाह करना चाहते हैं लेकिन ना चाह करके भी प्रॉब्लम फेस हो रहे थे तो प्रेम विवाह से योग ठीक होंगे और परिवार के लोग नहीं मान रहे थे तो मानना चालू कर देंगे। संघर्ष जितना करेंगे उतना ज्यादा लाभ की संभावनाएं बनेंगी और सबसे महत्वपूर्ण बात आपके फंसे हुए पैसे भी 100% निकल जाएंगे। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रत्येक दिन जल में काला तिल डाल करके शिवलिंग पर अर्पित कीजिए और इसके बाद ही अपने कर्म क्षेत्र की ओर जाइए। बहुत बेहतर अच्छे अवसर मिलेंगे कन्या राशि वाले। तुला राशि वाले, अगर आपकी बात मैं करूं, जब 29 जुलाई से बृहस्पति वक्री है और शनि पहले से वक्री अवस्था में है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले आपको भूमि मकान वाहन का लाभ मिलेगा। मन चाहे रिश्ते जो नहीं आ रहे थे वह आना चालू हो जाएंगे। इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा मन में कॉम्प्लेक्शन है कि शादी करे किससे करे नहीं करे वह ठीक हो जाएगी। लव रिलेशन का सुधार होगा। शेयर मार्केट वगैरह का बहुत बढ़िया फल मिलेगा। आपको संतान से प्यार के योग बढ़ेंगे। संतान आपका कहना नहीं मान रहे थे उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। इसके अलावा पराक्रम में बहुत विशेष वृद्धि के अच्छे अवसर दिखने चालू हो जाएंगे। सरकारी कामकाज का बेहतर अवसर मिलेगा। रिश्तेदारों से तालमेल में विशेष सुधार के योग भी दिखेंगे। सीनियर अधिकारियों से तालमेल में भी बहुत ही अच्छे अवसर मिलेंगे। किसी कारण से आपको कहीं दूर जाना है, अपने व्यापार को बाहर ले जा करके जमाना है लेकिन नहीं हो पा रहा था तो वह अवसर ठीक हो जाएंगे। जिनकी शिक्षाएं अधूरी छूट चुकी हैं वह ठीक हो जाएंगी। संतान सुखों में वृद्धि के अच्छे अवसर मिलने चालू हो जाएंगे और विदेशों से ट्रांजेक्शन भी आपका बढ़ जाएगा। पैसे जो सेव नहीं हो पा रहे थे वह सेव होने चालू हो जाएंगे। इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन आपको सूर्यास्त के बाद ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। वृश्चिक राशि वाले, शनि पहले से वक्री हैं और 29 जुलाई से देव गुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं तो 23 अक्टूबर तक आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव रहेगा? क्योंकि दोनों ग्रह वक्री रहेंगे तो वृश्चिक राशि वाले, सबसे पहले आपके जीवन में भूमि मकान वाहन का अचानक लाभ मिल जाएगा। माता का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था इसमें सुधार हो जाएंगे। सामाजिक ख्याति बढ़ने लगेंगे। नए नौकरी और व्यवसाय के बहुत ही अच्छे अवसर मिलने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है प्रमोशन और पदोन्नति के भी अच्छे अवसर चालू हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज यह भी है, आपके संतान कहना नहीं मानते थे मानना चालू कर देंगे। शिक्षा में जो बाधाएं हो रही थी वह ठीक हो जाएंगी। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिलना चालू हो जाएगा। कर्ज सिर पे चढ़ के तांडव मचा रहा है इसमें कमी हो जाएंगी। कोशिश करेंगे तो विदेश यात्रा कोई नहीं रोक सकता है जाने से। इसके अलावा जो है प्रथम संतान और तृतीय संतान की तरक्की के रास्ते बहुत ही जबरदस्त खुलेंगे। आपके माता आपके कभी कभी फेवर में जो बात नहीं कर पा रही थी आपके फेवर में बात करनी चालू कर देंगे। बहुत दिनों से चाह रहे थे संपत्ति परचेज हो, खुद की वो भी हो जाएगी और अगर प्रॉपर्टी में लिटिगेशन था तो वह भी ठीक हो जाएगा। सीनियर अधिकारी परेशान कर रहे थे, दूर चले जाएंगे
और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे जो सबसे बेहतर फल है कि आपके पिता भी आपको व्यापार में सपोर्ट करेंगे, पिता की तरक्की होगी, पिता भी भूमि मकान वाहन ले सकते हैं और परेशान नहीं होना, नए नौकरियों का बहुत बेहतर अवसर दिखने को मिलेंगे। प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व अगर आप अपने कंठ पे काजल जो काला होता है हल्का लगा के निकलें तो बहुत ज्यादा बेहतर अवसर मिलेगा। धनु राशि वाले, अगर आपकी बात करूं, दो दो ग्रह का वक्री होना तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? धनु राशि वाले, सबसे पहले मैं बता दूं, 23 अक्टूबर तक आपके जीवन में आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होनी चालू हो जाएंगे। आप अपनी बातों को दूसरों को समझा नहीं पाते हैं और लोग इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं, तो इससे रिलेटेड समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसके अलावा जो है पेट और पैरों की समस्याओं में सीधी कमी होनी चालू हो जाएंगी। रिश्तेदारों के पास जो पैसे जो ठग चुके थे, जो फंस के रखे थे, वह मिलने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है संतान सुखों का लाभ मिलेगा। जिनकी शिक्षाएं अधूरी छूट चुकी थी या मन चाह कॉलेजेज वगैरह एडमिशन के लिए नहीं हो पा रहा था, वह मिलना चालू हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो लोग दांतों की समस्याओं से, गले के रोग से, हृदय के रोग से परेशानियां हैं, यह ठीक हो जाएंगे। पैसे की तंगी अच्छी बात नहीं है, पैसे की तंगी दूर हो जाएंगी। बड़े भाई बहनों के पास भी फंसे हुए पैसे आपके मिलेंगे। विदेश यात्राओं का अच्छा अवसर देखने को मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात एक चीज यहाँ पे यह भी है कि ससुराल पक्ष से तालमेल में अच्छा सुधार है। वैवाहिक जीवन में भी बहुत बेहतर सुधार देखने को मिलेगा। नजायज संबंध में भी है तो उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बनेंगी और मानसिक शांति भी देखने को मिल जाएगा। इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रत्येक दिन 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें तो बेहतर रहेगा। धनु राशि वाले, मकर राशि वाले, 29 जुलाई से देवगुरु बृहस्पति वक्री हैं हो रहे हैं और 5 जून से शनि वक्री हैं जो 23 अक्टूबर तक रहेंगे, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? मकर राशि वाले, सबसे पहला बात कि आपके जीवन में कर्ज के मुक्ति के अवसर चालू हो जाएंगे। विदेश जाने से कोई नहीं रोक सकता है। केस मुकदमा पहले का चल रहा है वह ठीक हो जाएगा और नया केस मुकदमा होने से बच जाएंगे। इसके अलावा जो है वैवाहिक जीवन में आई स्थिरताएं, परेशानियां, खटपट वह दूर हो जाएंगे। इसके अलावा जो है आपके वाणी में नियंत्रण खोया हुआ है। इन दिनों आप क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, जिसको लेकर के परिवार हो, फ्रेंड सर्कल हो, समाज के लोग हो, दाम्पत्य जीवन हो, सब तरफ कलेश की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, वह शांत हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि पैसे 1 रुपये भी नहीं टिक रहे थे, वह टिकनी चालू हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपके ससुराल वाले भी आपको सपोर्ट कर देंगे। धन को लेकर के भी कलेश से जीवन में, वह ठीक होगा। नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन करना चाहते हैं, वह ठीक होगा। पार्टनरशिपिंग को लेकर के बड़ा डिसीजन नहीं ले पा रहे तो उसमें सुधार होंगे। जिनको किसी प्रकार के गलत आरोप में फंसा दिए गए हैं उसमें सुधार के अवसर मिलेंगे। संतान सुखों का लाभ मिलेगा। द्वितीय संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज की संभावनाएं आपके जीवन में बढ़ेंगी। आपके पिता आपको सपोर्ट कर देंगे, बड़े अधिकारी भी आपको सपोर्ट कर देंगे और इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में जो है अचानक किसी बड़े पद पे है तो प्रमोशन का योग बन सकते हैं या सम्मानित हो सकते हैं। अच्छा फल है। इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए सैटरडे सैटरडे के दिन जा करके पीपल पेड़ के नीचे सरसों तेल का दीपक जलाइए और सैटरडे के दिन गरीबों को कंटिन्यू 23 अक्टूबर तक काला वस्त्र या काला चप्पल दान करिए, बेहतर रहेगा। कुंभ राशि वाले, 29 जुलाई से जब दो दो ग्रह महाग्रह वक्री हो रहे हैं, जो पहले से शनि वक्री हैं और शनि वक्री हैं और गुरु वक्री होने वाले हैं, तो दो दो ग्रह महाग्रह वक्री अवस्था में रहेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? कुंभ राशि वाले, सबसे पहले आपके काम पे जो फोकस नहीं था वह वापस आना चालू हो जाएगा। मानसिक शांति होगी, बड़े बड़े डिसीजन लीजिएगा, मुख पे भी सुधार होगा, वाणी पे भी सुधार होगा। हेयर फॉल, फोड़े फुंसी, पेट के समस्याएं, नसों से रिलेटेड समस्याएं दूर होंगी। दाम्पत्य जीवन में विशेष सुधार होगा। विवाह से रिलेटेड किसी प्रकार की आय स्थिरताएं या परेशानियां हैं वह ठीक होंगी। आपके संतान आपका कहना मानेंगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बहुत ही बेहतर अवसर मिलेगा। पैसे की बुरे से बुरे स्थितियों में कमी नहीं होगी। छोटे भाई बहनों को और बड़े भाई बहनों को भी सपोर्ट मिलेगा और आपको भी उनका साथ मिलेगा। आपके पिता के हेल्थ में किसी प्रकार का परेशानियां चल रही थी उसमें कमियां देखने को मिलेंगी।
ससुराल पक्ष से तालमेल में विशेष सुधार होगा। इसके अलावा आप अपने जीवन में किसी को पसंद करते हैं, विवाह करना चाहते हैं और आपको लगता है कि ये रास्ता बेहतर है तो बहुत बेहतर रहेगा। फेमस होने के बहुत अच्छे अवसर हैं। अगर आप जितना ज़्यादा 29 जुलाई से संघर्ष करेंगे उतना ज़्यादा जो है आप अपने जीवन में फेमस हो जाएंगे। इसके अलावा जो है सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक ये है कि आपको विदेश जाने के अच्छे अवसर मिलेंगे। अगर आपके जीवन साथी आपसे दूर रह रहे हैं तो पास आने की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात एक चीज यहाँ पे एक मैं यह भी बता दूं कि आपका कर्ज और शत्रु भी दूर होना चालू हो जाएगा। अच्छा समय है। इसके प्रभाव को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? तो इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन हनुमान जी के समक्ष एक दीप प्रज्वलित कीजिए और एक पीला पुष्प भगवान विष्णु को भी अर्पित कीजिए। मीन राशि वाले, अगर आपकी मैं बात करूं 29 जुलाई से देव गुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं और पहले से शनि वक्री है तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? मीन राशि वाले, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि आपके कर्ज के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे, बड़े बड़े डिसीजन आप ले पाएंगे, भावुकता से विमुख होकर के कठोर निर्णय अपने जीवन में लेना चालू कर देंगे, दांपत्य जीवन में सुधार के अवसर मिलने चालू हो जाएंगे, पेट और पैरों की समस्याएं दूर होनी चालू हो जाएंगी, जीवन साथी के तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे, संतान आपका कहना नहीं मान रहे थे वह परेशानियां दूर हो जाएंगी, संतान से जो दूरियां बनी हुई थी वह गैप फील होना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है हेयर फॉल, फोड़े फुंसी, यह भी समस्याएं दूर हो जाएंगी। विदेश जाने की संभावनाओं में वृद्धि के अच्छे अवसर मिलने चालू हो जाएंगे। ससुराल पक्ष से तालमेल सुधार हो जाएगा। माता पिता भी सपोर्ट करेंगे। भूमि मकान वाहन का भी लाभ देखने को मिलेगा और बुरे से बुरे परिस्थितियों में धन की कमी नहीं होगी और आप अपने जीवन में नए नौकरी व्यवसाय की ओर बढ़ना चालू हो जाएंगे। दूसरों पर जो डिपेंडेंट है वह कमी आपके जीवन में दूर हो जाएंगी। इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का प्रत्येक दिन 108 बार जाप करिए और अगर चाहते हैं इसके फल को बहुत बेहतर बनाना तो शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में 5 पीस लड्डू अवश्य चढ़ाइए, 1 पीस खुद खाइए, बाकी गरीबों में बांट दीजिए, लाभ बढ़िया मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, 29 जुलाई से देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, 5 जून से शनि ऑलरेडी वक्री हैं जो रहेंगे 23 अक्टूबर तक। तो दो दो महाग्रहों का वक्री होने का प्रभाव मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा, इसकी संपूर्ण विस्तृत जानकारी मैंने आपको दी है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। तो चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।